सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। सी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम आयनाइजर क्यों लगाते हैं। आयनाइजर को बड़ी सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, आयनाइजर क्या है। देखो सी, हमारे घरों के अंदर ना नॉर्मल एक टैप वाटर आता है जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस से ट्रीट करते हैं और हमारे घर के अंदर जो पानी आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है, एंड दिस इज कॉल्ड एसिडिक वाटर। अब कैंगन मशीन क्या करती है? कैंगन मशीन कुछ नहीं करती, इसमें से ना एसिड पार्ट को अलग कर देती है। तो अब इसको इस तरीके से देखते हैं कि अब हम अगर कैंगन मशीन को ऑन करें तो कैंगन मशीन क्या करेगी? सो कैंगन मशीन के अंदर पानी आ रहा है आपका, तो नीचे से जो मेरे हाथ के अंदर ये पाइप है ये क्या दे रहा है? एसिडिक वाटर। ये जो छोटा पाइप है क्या दे रहा है? एसिडिक वाटर। और ऊपर से क्या आ रहा है? एल्कलीन स्टेट का वाटर। अब मैंने इस ग्लास के अंदर एसिडिक वाटर भर रहा हूं, जो भी इसका वेस्ट वाटर है, क्या भर रहा हूं? एसिडिक वाटर। ये एसिडिक वाटर हो गया। अब इसके अंदर मैं कैंगन वाटर भर रहा हूं। अब मैं जब ये काम करता हूं तो इससे क्या हुआ, बेसिकली इस पानी के अंदर से एसिड जब अलग हुआ तो ये एसिड पार्ट इसने इससे जब छीन लिया तो ये ग्लास के अंदर एसिड अलग से आ गया, और ये पानी एल्कलीन स्टेट का अच्छी कैटेगरी का पानी इसलिए हो गया क्योंकि ये पर्पल स्टेट का वाटर हो गया। पर्पल इज गुड फॉर हेल्थ, वाई? बिकॉज ये एल्कलीन स्टेट का वाटर है। अब अगर ये मैं ये ना करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आयनाइजर ना लगाऊं तो मेरा परिवार कैसे तरीके का पानी यूज करने वाला है? वो इस तरीके का पानी यूज करने वाला है। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर एसिड उबाल के अपने परिवार को पिला रहा हूं। क्या आप एसिड पिलाना चाहते हैं अपने परिवार को? अगर नहीं पिलाना चाहते, दैट्स व्हाई आयनाइजर इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आयनाइजर इज रिक्वायर्ड। सो अगर आप पानी अच्छा पिलाना चाहते हैं, एसिड को निकालना चाहते हैं, तो आयनाइजर चाहिए।